दोस्तों आप सबको क्या लगता है, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं? अगर आपको लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोनों ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में करते नजर आए। अगर दोनों के गेंदबाजी के रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही शानदार नजर आए, जहां पर रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट निकाले, कुलदीप ने सिर्फ 6 रन दिए और 4 विकेट निकाले। दोनों की गेंदबाजी लाजवाब कमाल नजर आई। जिस तरीके से कुलदीप यादव ने वनडे मैचों में वापसी करी, लगातार पिछले कुछ मैचों से लगातार विकेट चटकाते नजर आ रहे हैं। कुलदीप यादव वनडे में वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए बहुत ट्रंप हो सकते हैं। अगर उनके परफॉर्मेंस को देखें तो भारतीय सरजमीन पर स्पिन को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ऐसे में कुलदीप यादव सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूएबल प्लेयर भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में होने वाले। वही रविंद्र जडेजा ऑलराउंड परफॉर्मेंस करने वाले, क्योंकि रविंद्र जडेजा गेंदबाजी में भी नॉट आउट रहे, उसके अलावा 3 विकेट और जो टॉप के 3 विकेट थे उसको रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर निकाला। पूरे मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने बहुत ही आसानी से 5 विकेट से इस मैच को जीत लिया। पूरे मैच का हालचाल और बवाल बताएं तो ब्रेंडन किंग और उसके अलावा काइल मिलर्स दोनों ओपनिंग करने के लिए आए। ब्रेंडन किंग थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए, 23 बॉल में 17 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर ने उनको आउट किया, वहीं पर काइल मिलर्स को हार्दिक पांड्या ने अपना पहला विकेट और मैच का पहला विकेट लिया रोहित के हाथों कैच करा करके, जो कि 9 बॉल में 2 रन बना करके आउट हुए। वहीं एलाई सेठानजे ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया, 18 बॉल में 22 रन बनाए। मुकेश कुमार, जो कि इनका डेब्यू हुआ था आज पहले वनडे मैच के लिए और टेस्ट के बाद वनडे में भी उन्होंने डेब्यू किया है 10 दिन के अंदर अंदर, तो यहीं पर उन्होंने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच करा करके एलाई सेठानजे का जो बैटिंग था उसको समाप्त किया। वहीं शेयर होप लगातार वीडियो विकेट पर बने रहे और लगातार उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा यहां पर पेश करते नजर आए। शेयर होप की बात करें, 45 बॉल का सामना किया और 43 रन बनाए, जिसमें 4 चौके 1 छक्के देखने को मिले। कुलदीप यादव ने LBW बोल्ड करके उनको आउट किया। वहीं शिमरॉन हेटमायर की बात करें तो 11 रन शिमरॉन हेटमायर ने बनाए। वहीं शेयर होप और शिमरॉन हेटमायर के बीच में कुछ लंबी पार्टनरशिप देखने को मिली, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उनकी पारी को समाप्त किया। वहीं रोमन कोबिल को सुमन गिल ने कैच किया रविंद्र जडेजा की गेंद पर। रविंद्र जडेजा ने दूसरे ही बॉल पर रोमारियो सैफर्ड को 0 पर आउट करके पवेलियन भेज दिया कुलदीप के हाथ, कोहली के हाथों कैच आउट करा के। वहीं डोमिनिक डार्कस की बात करें और कालिया तो दोनों को कुलदीप यादव ने LBW आउट किया। इस तरीके से कुलदीप यादव इस मैच में बहुत जबरदस्त छाए रहे, 3 ओवर से 2 मैदान डालते हुए 6 रन देते हुए 4 विकेट निकाला। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कुलदीप यादव की आज के मैच में देखने को मिली। वहीं बात करेंगे भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग में रोहित शर्मा और उसके अलावा शुभमन गिल नजर नहीं आए। यहां पर आपको शुभमन गिल और ईशान किशन के रूप में वनडे में एक नई जोड़ी देखने को मिली। यही वो जोड़ी है जो कि अंडर-19 में भी भारतीय टीम के लिए प्रेजेंटेशन कर चुकी है और यहां पर वनडे मैन इंटरनेशनल मैच में करने का मौका मिला। दोनों बल्लेबाजी करने के लिए आए, काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली ईशान किशन की, लेकिन शुभमन गिल फिर एक बार से वेस्ट इंडीज में फेल हुए। टेस्ट मैचों के बाद वनडे में भी संघर्ष करते हुए यहां पर शुभमन गिल नजर आए। अगर शुभमन गिल के परफॉर्मेंस देखें तो उतना अच्छा अब तक नजर नहीं आया। शुभमन गिल जो कि इस मैच में 16 बॉल का सामना किया, 7 रन बना के आउट हुए। वहीं पर बात करें सूर्य कुमार यादव की, 25 बॉल में 19 रन बना के सूर्य कुमार यादव भी आउट हुए। कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए उन्होंने और जो उनका फेवरेट शॉट विकेट के पीछे का था वो भी उन्होंने लगाया, लेकिन 4th नंबर की जो पोजीशन भारतीय टीम की अभी भी खाली लग रही। वनडे वर्ल्ड कप में खेलने का जो उनका सपना है वो टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास 2 और मौके अभी मिलने वाले हैं, 2 वनडे मैच बाकी है। वहां पर उनको अच्छे तरीके से रन्स करना होगा अगर उनको भारतीय टीम में 4th नंबर का स्लॉट पर कब्जा अगर जमाना है तो, क्योंकि सूर्य कुमार यादव संघर्ष करते लगातार नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 3 मैचों में 0 पर आउट हुए थे वनडे मैचों में, तो इस तरीके से उनका संघर्ष इस समय लगातार जारी है। वहीं हार्दिक पांड्या की बात करें तो 5 रन बना के रन आउट हुए। रविंद्र जडेजा जो कि आखिरी तक नॉट आउट है, 21 बॉल में 16 रन बनाए। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी लाजवाब बल्लेबाजी रविंद्र जडेजा की आज के मैच में देखने को मिली और उसके अलावा शार्दुल ठाकुर जो कि 1 रन बना के आउट हुए। वहीं रोहित शर्मा नॉट आउट रहे, जिन्होंने आखिरी में आकर के बल्लेबाजी करी और 19 बॉल में 12 रन बनाए। वहीं बात करेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो जाइडन स्टील ने 1 विकेट लिया, उसके अलावा गुडास्का मोटी ने 2 विकेट निकाले, वहीं ऑनिक कारिया ने 1 विकेट निकाली। ये सारे वेस्ट इंडीज के 3 बॉलर्स हैं जिन्होंने आज के मैच में विकेट निकाले। भारतीय टीम ने 5 विकेट रहते इस मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, 5 विकेट रहते जीत हासिल करी और बॉलों के लिहाज से भी देखा जाए तो 163 बॉल रहते 5 विकेट से जीत हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन चुकी है। वहीं बात करेंगे इस मैन मैच के लिए, तो परफेक्ट मैच ऑफ द मैच जो आज के मैच के लिए बने वो कुलदीप यादव थे, जिनको बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। वैसे रविंद्र जडेजा भी इसके लिए प्रबल दावेदार थे, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट लिए, साथ ही साथ रन्स बनाए, नॉट आउट रहे, लेकिन कुलदीप यादव की गेंदबाजी लाजवाब, 3 ओवर में 2 मैदान और उसके अलावा 6 रन और 4 विकेट, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।